कि जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे मेहनत ज्यादा करो। कि जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे मेहनत ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। स्वागत है, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जितना सीखा वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में, दशमलव संख्या का वर्गमूल, घन, घनमूल के बारे में, जितने भी कॉन्सेप्ट को सीखा उस पर आधारित क्वेश्चनों को आज की वीडियो में करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे, और आपकी परीक्षा में जो पूछे गए कुछ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो प्यारे साथियों, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग आकर के इस, बोल सकते हैं कि इस का आनंद उठाए। तो चलिए प्यारे साथियों, ज्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 36 और 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 36 का बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नहीं तो सब कुछ यहीं पर तो समझ में आ ही जाएगा। गुणनखंड विधि होता है कि इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना। क्या? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना। जैसे आपका 36 है तो 36 को हम तोड़ेंगे तो ये सबसे छोटा जो आपका अभाज्य संख्या होता है वो 2 होती है। इसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। इससे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 5 होती है। इससे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 7 होती है। तो 2 से इसको कट करेंगे, देखिए आपका 2 एकम 2 2 8 16 हो जाएगा, फिर 18 है। अब देखेंगे क्या ये 2 से कटता है, हाँ 2 से कटेगा, 2 9 18। अब 9 जो है वो आपका 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है, 3 होती है। तो 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर ये 3 से देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इहो कट जाएगा, तो इहो को हम 3 से काट देंगे। तो क्या हुआ, 36 का अगर हमने गुणनखंड किया, 36 को हमने गुणनखंडों में तोड़ा, तो आपका आया 2 गुणते 2 गुणते, भाई वर्गमूल निकाल रहे हैं, कड़ी में लिख लेंगे, इस बात का भी हमें आपको अच्छी तरह से ध्यान देने हैं। तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। तो वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है के घात 2। तो 2 इसमें क्या होता है, 2 2 का पेयर बनता है, जोड़ा जो इसमें होता है 2 2 का बनता है। तो 2 2 का वो भी समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का इसमें जोड़ा बना लिए, 2 का इतना जोड़ा बना लिए। बात समझ में आई? अरे अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरे भैया कि समान संख्याओं का वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद एक जोड़े से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जोड़े में से एक संख्या अगर आपकी बाहर निकलेगी तो आपकी आएगी 2, और इस जोड़े में से एक संख्या आपकी बाहर निकलेगी तो आएगी आपकी 3, और इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 3 दुना के 6, जो 6 होगा वो आपका 36 का क्या होगा, आपका वर्गमूल होगा। दूसरा जो आपका इसी में है 144 का, कि 144 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो वही प्रक्रिया गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 144 को 2 से जब हम काटेंगे तो देखिए 2 7 14 और 2 2 4 इसे कट जाएगा। अब इसके बाद फिर आया, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 36 2 72, फिर 2 से काटेंगे तो 18 2 36, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 9 2 18, फिर अब 9 आया तो 9 जो है 2 से आपका नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तब कितने से कटेगा, उससे बड़ी संख्या 3 होती है, तो 3 से जब इसको हम काटेंगे तो 3 3 9, अब फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो 144 को हम, 144 है इसको अगर हम करड़ी में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई,
कैसे लिख सकते हैं, देखिए दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो, यहां अगुणते तीन गुणते तीन, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ई सब का दू दू का जोड़ा बना लेंगे। ये बात समझ में आई? जब इतना करने के बाद एक जोड़े में से एक संख्या को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है के घात दो, और मूल का मतलब जड़ होता है, तो दो के घात जिसका रहेगा वो जड़ हो जाएगा। तो यहां से एक जोड़ा यहां से निकलेगा, और इसका दो समान संख्याओं का एक जोड़ा यहां से निकलेगा, और यहां तीन है तो इसका एक जोड़ा यहां से निकलेगा, तो तीन दूना छह दूना के 12 जो होगा वो 144 का वर्गमूल होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से 11,664 तथा 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। गुणनखंड विधि से ही कह रहा है, तो हम लोग 11,664 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब यह होता है इसको अभाज्य गुणनखंडों में छोटे छोटे चीजों में बांटना। जैसे अगर 6 है तो 6 को सबसे छोटा कर करेंगे तो 2 गुणते 3 कर सकते हैं, इससे छोटा इसको तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे, तो 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 2 5 10, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 3 6 2 2 9 4। फिर 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 2 9 4, 2 9 18, 2 1 2 2 6 12। फिर 2 से अगर हम कट करेंगे तो देखिए 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर अगर हम 2 से इसको कट करें तो 2 7 14, 2 2 9 4, 2 9 18। अब जो है आपका 729 जो है वो आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या के हमने आपको बताया मेरे भाई कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 होती है। तो 3 से इसको अगर हम कट करें तो क्या कटेगा, जी हां कटेगा, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 3 8 24, 3 1 3। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 27 त्रिका 81 होगा। फिर 3 से कट करेंगे तो आपका 9 त्रिका 27 होगा। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा। फिर 3 से कट करेंगे तो आपका 1 होगा। इतना हुआ। तो 11,664 क्या इसी का वर्गमूल निकालना था? तो 11,664 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या गुणनखंड आया, 2 गुणते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3 4। इसके बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार है, 6 बार, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। इतना बड़ा गुणनखंड किसका आया, 11,664 का। इसका क्या कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करो। तो मेरे भाई हमने ये बताया कि वर्गमूल में क्या निकालते हैं कि दो दो का इसमें क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। दो दो का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, और जोड़ा बनाने के बाद इस करड़ी को हटा करके एक एक जोड़े से एक संख्या को हम लोग बाहर करते हैं। तो यहां से एक संख्या को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहां से एक पेयर से संख्या निकालेंगे तो यहां भी 2 निकलेगा, और यहां का 3 है तो 3 निकलेगा, यहां का भी 3 है तो 3 निकलेगा, यहां का भी 3 है तो 3 निकलेगा। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 2 दूना 56 गुणते 2 तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 112। 112 जो होगा आपका 11,664 का वर्गमूल होगा। तो 4900 के वर्गमूल में क्या कह रहा, 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो फिर वही चीज, वही तरीका, वही सिस्टम, सब कुछ वही है मेरे भाई। 4900 दिया है, इसको आप क्या करो कि 2 से इसको कट करो भाई, 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसको कट करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 जुड़े 0। इतना हुआ।
फिर दो से कट करेंगे तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पचे दस। अब क्या जो है ये आपका दो से कटेगा, तो दो से आपका नहीं कटेगा, तीन से कट करते हैं, पाँच दो सात, दो नौ एक दस, तीन से भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब आप किससे कटेगा, ये पाँच से कटेगा, तो दो पच्चे दस, दो यहाँ हुआ बाईस, चार पंचे बीस, चार पंचे बीस हुआ, फिर दो हुआ यहाँ पच्चीस हो गया, तो पाँच पचे पच्चीस हुआ, दो सौ पैंतालीस आया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर पाँच से अगर हम कट करेंगे तो किससे कटेगा आपका, देखिए चार पंचे बीस, चार चौबीस, अब पैंतालीस हो जाए, नौ पचे पैंतालीस। अब इसको हम किससे कट करेंगे आपका, सात से कट करेंगे, किससे कट करेंगे, सात से कट करेंगे, तो सात सत्ते उनचास होगा और सात एक कम सात होगा। तो उनचास सौ का क्या था आपका, उनचास सौ का आपका वर्गमूल निकालना था, तो इसको हम लोगों ने गुणनखंड में तोड़ा तो क्या आया, दो गुणुत्ते दो गुणुत्ते पाँच गुणुत्ते पाँच गुणुत्ते सात गुणुत्ते सात। अब इसमें क्या करना है कि दो दो का क्या करना है, जोड़ा बना लेना है, पेयर बना लेना है, तो पेयर बना करके एक पेयर से एक संख्या को हमको कर्ड़ी से क्या करनी है, बाहर लिख देनी है। तो इस दो को लिख लेंगे, यहां से इस पांच को लिख लेंगे, यहां से इस सात को लिख लेंगे, तो सात पचे पैंतीस दूना सत्तर, तो सत्तर जो होगा आपका इस उनचास सौ का क्या होगा, वर्ग मूल होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 519 बटा के 196 तथा 75 सही 46 बटा के 49 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मन लगा करके अगर सही से देखिएगा आंसर चुटकियों में निकलेगा। तो पहला में क्या कह रहा है कि मेरे भाई ये कह रहा है कि 519 बटा के 196 इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, यही करना है। तो इसको हमने बताया था कि 519 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 519 बटा के करड़ी में 196, तो इसका वर्गमूल निकाल लें, इसका वर्गमूल निकाल लें, इसके बाद दोनों का भाग दे दे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 519 का किसका, 519 का अगर हम लोग क्या करें वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालें, तो देखिए 23 हम 529, एक मिनट, 23 तीन तरीका, 9 तीन दुना छः, तीन दुना छः दुना के 12, 519 नहीं 529 यहाँ पर है, कितना है 529 है, कितना है 529 है। तो इसको अगर हम गुणनखंड करें तो ये देखिए सबसे बड़ी जो आपके भाज्य संख्या, न ये आपको दो से कटेगा, न तीन से कटेगा, न पाँच से कटेगा, न सात से कटेगा, न ग्यारह से कटेगा, न तेरह से कटेगा, न सत्रह से कटेगा, न उन्नीस से कटेगा, न सीधे आपका जाकर किससे कटेगा, ये तेईस से कटेगा, ये पूर्वकवा किससे जाकर के कटेगा, तेईस से कटेगा। तो जब हम इसको तेईस से काटेंगे ना, तो जब तेईस इसको काटेंगे तो आपका आएगा तेईस, क्योंकि तेईस तेईस हम 529 होता है, जब 529 होता है तो इसको भी हम 23 से काटेंगे, तो जब इसको 23 से काटेंगे तो आपका आएगा एक, कितना आएगा एक आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 519 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणुत्ते 23, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 196 का करें गुणनखंड, तो 196 का तो आप बहुत आसान कर सकते हैं, देखिए दो से कट करेंगे, दो नवा अठारह, दो अट्ठे सौ, फिर दो से करेंगे तो दो चौके आठ, दो नवा अठारह, फिर सात से करेंगे तो सात सत्ते उनचास, फिर सात से करेंगे तो कट जाएगा। तो 196 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए दो गुणुत्ते दो गुणुत्ते सात गुणुत्ते सात, तो जब इसमें हम क्या करेंगे कि दो दो का जोड़ा बना देंगे, इसमें भी दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें भी समान संख्याओं का दो दो का जोड़ा बना देंगे। तो हम क्या बताएं कि करड़ी में से जो संख्याएं होती हैं, समान संख्या होता है, एक जोड़े में से एक संख्या क्या होती है बाहर निकल जाती है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 23, अरे यहां से एक 23 बाहर निकल गया, बटा के है तो बटा के लगा देंगे, तो इसमें से क्या बाहर निकला, दो निकला और सात निकला, तो यहां लिख सकते हैं 23 बटा के सात दुना के 14, तो ये जो 23 बटा के आपका 14 होगा वो क्या होगा, 529 बटा के 196 का वर्गमूल होगा। अब ये जो है क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 75 सही 46 बटा के 49 करेंगे,
तो अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब 75 में 49 का गुणा करेंगे। तो जब 75 में 49 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 36 75 आएगा भाई, गुणा करके देख लीजिएगा 36 75 आएगा। उसमें आपको 46 क्या करने हैं, आपके जोड़ देने हैं, तो 6 5 11 7 4 11 1 12 37 21 आएगा। कितना आएगा, 37 21 आएगा। तो जब 37 21 आएगा तो इसके जगह पे आप इसके बराबर आप लिख सकते हैं 37 21 / 49, इतना लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 37 21 का गुणनखंड करना है। तो जब 37 21 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए मैं एक मिनट देख लेता हूं, आपका आएगा 6 1। हाँ ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, देखिए 37 21 में बहुत बड़ा वो चीज है, बहुत बड़ा है, तो इसको ना ये 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से, ये डायरेक्ट जा करके ये पगला को हम लोग काटेंगे 61 से। किससे काटेंगे, 61 से। क्या है कि 61 भी आपकी एक अभाज्य संख्या होती है, तो जब इसको 61 से काटेंगे तो 61 हम आपका होता है 3721। तो जब इस 61 है तो खुद ही आप स्वयं से कटेगा, तो आपका आ गया एक, आ गया एक। जब एक आ गया तो हम 37 21 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 61 * 61 यही लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, तो इसके आप सामने यहां कर लीजिए क्या आया था, 61 * 61 आया। अब दूसरा चीज 49 है, 49 है, तो 49 का तो आप जानते होंगे किससे कटेगा, ईसा से कटेगा, तो 7 * 7 = 49, फिर 7 से काटेंगे तो एक ना कट जाएगा, तो कटेगा। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 * 7 कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से हमने बताया कि ऊपर वाली संख्या में से दोनों का पेयर बनाएंगे, जब पेयर अगर हम बनाएंगे यहां से, अगर हम पेयर बनाएंगे तो भाई एक पेयर में से करड़ी को हटा करके इस संख्या को लिखते हैं, 61 को लिख देंगे, और नीचे जो है 7 का एक पेयर बनेगा तो 7 नीचे आ जाएगा, 61 * 7 लिख दीजिए। या फिर ये देखिए सही में दिया था तो 7 * 7 = 49 = 7 / 8 = 56, 7 * 8 = 56 = 4 = 60 = 61, मतलब 8 सही 5 / 7। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि भाग विधि से 1849 तथा 11449 का वर्गमूल तथा घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो घन वर्गमूल का मतलब है कि वर्गमूल का हमें क्या करना है, घन करना है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं 1849 का। तो 1849 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम भाग विधि से कह रहा है, यहां देखिए कह रहा है भाग विधि से। तो भाग विधि से सबसे करें क्या करेंगे, दाहिने साइड से मतलब इकाई के अंक से दो दो का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ये बात समझ में आई होंगी। अब हमको क्या करना है कि 18 को देखना है कि किस संख्या, किसी संख्या का क्या ये वर्ग है भाई, 18 को हमें ये देखना है किसी संख्या का वर्ग है, या फिर इसके आसपास या इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो वर्ग है 18 के आसपास है। तो हम जानते हैं कि 1 का वर्ग जो होता है 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग होता है जो 9 होता है, 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है, और 5 का जो वर्ग होता है 25 होता है। तो कम में लाना है तो 4 का जो ऐसा एक संख्या है जिसका वर्ग क्या है, 16 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 4 में 4 का गुणा कर देंगे, तो आएगा कितना आपका 16, और इस 4 को हम क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे, ये बात हम बताए थे अच्छी तरह से। अब 18 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, और इसके बाद ये 4 और 9 को हम उतार लेंगे, 4 और 9 को उतार लेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, 4 और 4 को जोड़ लेना है, तो 4 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 8 आएगा, 8 आएगा। अब हमने आपको यह भी बताया होगा कि यहां पर ऐसी संख्या लेनी है कि अगर हम 1 लेंगे तो 1 ही लेंगे, यहां पर भी 1 रखेंगे, कहने मतलब समान संख्या का हमें क्या करना है, गुणा करना है, और तब तक गुणा करेंगे या तो 249 आ जाए या तो इसके आसपास आए लेकिन इससे ज्यादा संख्या ना हो। तो अगर हम 3 बार गुणा करें, 3 तरीका ना होता है, 3 बार गुणा करें तो 3 तरीका ना होता है, 3 तरीका 9 और 8 तरीका 24, इसका मतलब ये आपका कट गया था, यहां 43 जो आया, 43 जो आया 1849 का, ये क्या है, वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल है। तो अब कह रहा है कि घन वर्गमूल,
तो घन वर्गमूल मतलब ये जो वर्गमूल है ना इसका घन करना है। तो भाई 43 का अगर हम घन करेंगे तो आपका क्या होगा, 43 गुणते 43। तो 43 में 43 का गुणा करेंगे तो 1849 गुणते 43 कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई ना, ये बहुत ही आसान है कि हम लोग कैसे करेंगे। अब आइए दूसरा जो है 11449 को करना है, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो क्या है कि 11449 का हमें करना है, तो हम क्या करेंगे पहले कि दाहिने साइड से दो दो का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो जब हम जोड़ा आपका बना लेंगे तो देखिए ये आपका एक है, तो अब बताइए किस संख्या का जो वर्ग होता है एक के बराबर होता है, तो भाई वो संख्या क्या है, एक है। तो एक से अगर हम गुणा करेंगे तो एक एक कम एक आएगा, भाई एक आएगा तो यहां कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब क्या है कि एक 14 को हम डायरेक्ट सीधे उतारेंगे, तो जब इसको हम जोड़ेंगे एक और एक को तो आपका आएगा कितना, दो। अगर हम दो आएगा तो अब आप बताइए कि यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिसका अगर हम गुणा करें तो 14 से कम आए, ज्यादा ना हो। तो अगर हम एक ले लेते हैं तो 21 एक कम 21, 14 से क्या होगा, बड़ा हो जाए। तो इससे छोटी संख्या आपका क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो का गुणा कर दीजिए, तो अब देखिए जीरो जीरो यहाँ जीरो और जीरो दो यहाँ जीरो, तो इसका मतलब कितनी बार में भाग गया आपका, जीरो बार में गया। जब ये जीरो में बार गया तो 14 में से जीरो को हम कटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 14 ही ना आएगा। तो यहाँ पर हम 14 लिख लेंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 आपको आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो शेष के रूप में आया, अब हई जन 49 है ना, ये दोनों को हम क्या करेंगे, साथे उतार देंगे। हई दोनों है, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, साथे में उतार देंगे। जब इतना उतार देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बताइए यहां पर हम कौन सी संख्या लें कि अगर हम गुणा करें तो 1449 आए या उसके आसपास आए। तो हम अब देखिए लास्ट में 9 है तो 3 ले रख करके चेक करते हैं, 2 3 या 600 के ही आसपास आएगा, लेकिन हमको लाना है कितना, 1400 के आसपास। तो हम जानते हैं कि अगर हम 7 से गुणा करें तो 7 × 49 होता है कि नहीं होता है। तो 7 × 49 के 9, 7 × 0 = 4 और 7 × 2 = 14, देखिए आपका आएगा, कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये जो 7 है इसको यहाँ पर उतार दीजिए, तो 107 जो होगा इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, क्या होगा, वर्गमूल होगा। और यहाँ घन वर्गमूल अगर पूछा है तो अब ये वर्गमूलवा को हमको क्या करना है, इस पगला का हमको क्या करना है, घन कर देना है, इसका हमें क्या करना है, घन कर देना है। तो 107 का हम अगर घन कर देंगे तो आपका आएगा घन, तो हो जाएगा 107 गुणते 107 अगुणते 107। तो इसमें गुणा करेंगे तो आपका 11449 अगुणते फिर 107 करिएगा, जो भी यहाँ पर आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, वादा है। अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम लिखेंगे तो भाई हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख जो होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आपसे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, लेकिन वो संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हैं क्या होता है कि जैसे अगर 100 जो है ना, ये 100 जो है ना 10 का क्या है, पूर्ण वर्ग है, 10 का पूर्ण वर्ग है कंप्लीट रूप से। लेकिन अगर इसका अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका हम क्या करिए, भाग विधि से इसका क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर से दो दो का पेयर बनाते हैं, बना लेते हैं, 6 अंक का हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, भाग विधि से अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो अब बताइए 10 है, तो 10
के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो। भाई 10 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? भाई किसी संख्या का वर्ग जो है वो 10 के बराबर जी नहीं, तो इससे पहले आता है 3, तो 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है, तो इसके आसपास है तो 3 कर लेंगे। यहाँ देखिए 3, ठीक, तो 3 × 9 होगा, तो यहाँ 1 को यहाँ पर 00 उतार लेंगे। कोई दिक्कत है भाई? ये दोनों सुनना वहाँ पर उतर जाएगा। अब आपको क्या करना, 3 × 3 = 6 हो गया, 6 हो गया। अब आपको बताइए यहाँ पर हम आप ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिससे कि ये आपका 100 से कम हो। तो अगर हम 2 अगर यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं हम आपका यहाँ पर, अगर 2 लेते हैं तो 62 × 1 क्या हो जाएगा आपका, 124 हो जाएगा। तो हमें लेना कितना है, तो 1 लेंगे तो सही रहेगा, 1 लेंगे तो सही रहेगा, तो 61 × 1 आपका कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये बातें समझ में आई? तो जब इसमें करेंगे तो 100 में से 61 को हम घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ये उतार लेंगे तो यहाँ 1 आया। ये बातें समझ में आई आपको? अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 1 = 2। अब यहाँ पर बताइए हम ऐसी संख्या लें जो 3900 के आसपास आए, ठीक। तो अगर हम 7 यहाँ पर लेते हैं, देखिए तो 7 × 6 = 42, 39 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका हम मतलब हमें लेना कितना है, 6 लेंगे भाई, 6 लेंगे, 6 अगर हम लेते हैं तो आपका हो जाएगा देखिए 6×6 = 36, ठीक, और 6×6 = 36, हासिल 3, 6×2 = 12, 3×3 = 5, और 6×36 = 137, 137 आया। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पर 6 उतार लेंगे, 6 उतार लेंगे। अब 6 उतार लेंगे तो इसमें से देखिए 10 में से 6 गया आपका 4, यहाँ हुआ 9, 9 में से 5 गया आपका 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 144 बचा। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आपका क्या हुआ, देखिए कि 6×6 = 12, 2×2 = 1 कितना हो जाएगा, 3, 6×6 = 32 हुआ। अगर यहाँ पर हम 1 को लेंगे या फिर 0 भी लेंगे तो 6320 भाई ज़्यादा हो गया, तो 0 आप लें या फिर क्या ले सकते हैं, अब आप ही बताइए। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, तो यहाँ हम दशमलव लगा करके भी यहाँ 2 शून्य बढ़ाते हैं। ये आपको पता होगा कि जब नहीं समझ में आया तो यहाँ दशमलव लगा करके इधर 2 शून्य, कितना भी शून्य आपको बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, तो 2 शून्य बढ़ाएंगे तो देखिए 14400 हो गया। तो ये है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लेंगे या तो 1 लेंगे, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 लेंगे। तो अब इसके बाद देखिए दशमलव में जा रहा है संख्या, क्या कर रहा है, दशमलव में जा रहा है। तो अब आपको देखिए सिंपल बात, आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो 316 है ना, 316 है ना, इसमें खाली 1 जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। भाई 316.22 आ रहा है ना, दशमलव से मतलब नहीं है, दशमलव में संख्या गई उससे मतलब नहीं, ये 6 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 316 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपका आएगा कितना, 317 आएगा। तो 317 का आप अब क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, तो 3 × 7 = 3 × 7 7×7 = 49 9 7×7 = 14 4×18 यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 7×3 = 21 7×21 = 42 42 1 43 1 44 4 हासिल 4 3×6 = 10 3×3 = 6 4×10 = 0 और 3×3 = 9 × 1 = 10 तो 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,489। तो 1,489 होगा, तो वही कह रहा है ना। तो अब देखिए 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या होगी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या होगी, 1,489। क्या होगा, 1,489। अब 1,489 का अब आप क्या करेंगे, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 317 आएगा, कितना आएगा, 317 आएगा। तो देखिए सिंपल बात, हम आपको फिर से इसको समझा देते हैं, ये बात क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर कहाँ तक वर्गमूल निकालेंगे, जहाँ से दशमलव
लग जाता है। तो दशमलव के पहले जो संख्या अगर तीन है तो उसमें खाली एक जोड़ना है आपको, क्या करना है, एक जोड़ करके जो संख्या आएगी उसका वर्ग कर दीजिए, वो जो संख्या आएगी वही संख्या छह अंकों की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या होगी। ये बातें समझ में आई, अच्छी तरह समझ। अरे मेरे भाई मेरे भैया, हम ये कह रहे हैं कि छह अंकों की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कह रहा है ना, तो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक लाख होती है, उसको लिख लो। अब उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकालने आता है, तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमने निकाला 316.22 आया ना, तो सिर्फ इस 0.22 जो है इसको भूल जाओ, 0.22 है इसको भूल जाओ, 316 है ना, तो इस 316.00 की इधर की संख्या गिनो, तो 316 है, तो 316 में आपको क्या करना है, खाली एक जोड़ देना है, तो 316 में जब एक जोड़ दिया तो आया कितना 317, तो 317 का तुम वर्ग निकाल लो, क्या करो वर्ग निकाल लो, तो 1,489 आएगा ना, तो यही जो होगी छह अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, वो भी कैसी, पूर्ण वर्ग, कैसी, पूर्ण वर्ग। तो समझ में आया, बहुत ही आसान है। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब आपको क्या कह रहा है कि 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 289 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल तो निकालने आता है, अब इतना तो मैं बता दिया तो आपने आसानी से निकाल लेंगे, तो अब 289 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसे करेंगे तो 1/12 आपका आएगा, एक एक कम एक हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, तो 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो ये आपका आएगा 2। अब आपको क्या करना है, 7 बार ले जाइए, कितनी बार, 7 बार, क्योंकि 17 हम 289 होता है, तो 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, 18 कट गया, तो यहाँ 17 आया, तो 289 का जो वर्गमूल आया कितना आया आपका, 17 आया। तो जब 289 का वर्गमूल बराबर आया आपका 17, तो अब आप बताइए कि अब ये पूछ रहा है 289 के वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल आया कितना, 17, तो इसमें कितने अंक होंगे, तो कितने अंक हैं, 1, 2, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो वही पूछा है, तो कितने आपके होंगे 289, यहां पर लिख लीजिए आप 289 के वर्गमूल में कुल 2 अंक होंगे, कितने, 2 अंक होंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब ई क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखिए कि 7वां क्वेश्चंस है कि 8 - 8/27 तथा -64/1331 का घनमूल ज्ञात करिए। अब वर्गमूल नहीं, अब आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो देखिए 8 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, अरे सॉरी 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का यहां सिंबल लगा देंगे, यहां 3, ठीक, तो घनमूल निकालना है, तो 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा भैया, 8 का गुणनखंड करना है, अब इतना तो आपको आना चाहिए, एक 2 से हम काट करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो अब घनमूल में क्या आता है, घन का मतलब के घात 3, तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, अब 3 के जोड़े में से हमें क्या करना है, एक अंक बाहर निकाल लेने हैं करड़ी को हटा करके, तो 2 निकालेंगे तो 8 का जो घनमूल होगा ना वो कितना होगा आपका, वो कितना होगा, 2 होगा, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका है -8/27, क्या है, -8/27 यही है, तो अब इसका आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है भाई, यही कह रहा है घनमूल निकालिए, तो अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिए, तो -8 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए -8 को -2 × -2 × -2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, देखिए -, -, +, -, तो -8 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला है आपका 27 है, तो इसको भी गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 × 9 = 27, मेरे भाई ये बातें समझ में आ रही हैं आपको कि हमने ये कैसे किया, कि फिर हम इसको आप 27 करके दिखाएं, 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9 = 3, तो ये तो आप बताने की हमें जरूरत नहीं है, इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, 3 का जोड़ा बना लेना है भाई, घनमूल है तो 3 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, जब जोड़ा बना लेंगे तो आपका हो जाएगा ऊपर से क्या आएगा, -2
और नीचे क्या आएगा आपका तीन, तो माइनस दो बटा के जो तीन होगा वो माइनस आठ बटा के सत्ताईस का क्या होगा, घनमूल होगा। ये भी समझ में आया होगा। अगला जो है आपका माइनस चौंसठ बटा के 1331, तो माइनस चौंसठ बटा के 1331 का अगर हम गुणनखंड विधि करें, घनमूल निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ तीन लगा दीजिए, इसका मतलब ये दिखाता है कि इसका घनमूल निकाला जा रहा है। तो माइनस चौंसठ को अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा बना करके भाई मैं इसको सीधे लिख लूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ कि माइनस चौंसठ बटा की इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1331। तो अब माइनस चौंसठ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सीधा बात, दो माइनस दो गुणते माइनस दो, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूना बत्तीस, दूना चौंसठ, तो एक दो तीन चार पाँच छ हो सकता है। तो माइनस आपको करना है, देखिए यहाँ हो सकता है कि गलत दिया हो, माइनस चौंसठ अगर आएगा तो इसका घनमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए नहीं निकल पाएगा कि देखिए माइनस माइनस माइनस, ठीक, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको हम प्लस बना लेते हैं, ठीक है, तो सब जगह आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस हो जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, नीचे वाले का करेंगे 1331 का, देखिए हमें पता है कि इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा देखिए 11 गुणते 11, 11 ग्राम 121 ग्राम 1331, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तीन तीन का हम क्या करता है, जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है, तीन तीन का हम क्या करते हैं इसमें पेयर बनाते हैं, तो इसमें देखिए तीन का यहां से जोड़ा बना लेंगे, तीन का यहां से जोड़ा बना लेंगे। जब तीन का जोड़ा यहां से बना लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे करके सॉरी करड़ी से जो बाहर निकलेगा तो यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, दो गुणते दो, और नीचे क्या आपका आएगा भाई, एक ही पेयर बनेगा तो 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 64 बटा के 1331 का जो घनमूल होगा वो आपका क्या होगा, 4 बटा के 11। ये तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 19, 21 तथा 7 का घन ज्ञात कीजिए, आपको घन ज्ञात करना है। तो 19 का घन का मतलब क्या होता है, 19 के घात 3, भाई 19 का घन कह रहा है तो 19 के घात 3 करेंगे, इसका मतलब 19 गुणुत्ते 19 गुणुत्ते 19, तो 19 में 19 का हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 361, 361 गुणुत्ते फिर 19 करेंगे, तो 361 में जब आप 19 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6859, कितना आएगा 6859 आएगा, तो ये जो 19 का घन होगा। और दूसरा क्या है आपका 21 है, तो 21 का घन का मतलब 21 का क्यूब तो हो जाएगा 21 गुणते 21। अब मेरे भाई ये तो चीज समझ में आ रहा होगा, अब इस इतना चीजों को छोटी चीजों को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 21 में जब 21 का गुणा करेंगे तो 21 हम 441 और गुणते 21 करेंगे तो 21 एकम 21 9261 आएगा, कितना आएगा 9261 आएगा, और ये क्या होगा 9261 21 का क्या होगा, घन होगा। अगला जो है आपका 7 का घन कह रहा है, 7 का घन का मतलब क्या है, 7 गुणते 7 गुणते 7, तो 7 7 49 और गुणते 7, तो 49 गुणते 7 तो हो जाएगा आपका 343, 9 7 63 के 3 और 7 4 28 6 34, हाँ 343 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गुणनखंड भी विधि की सहायता से 1728 का घनमूल ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से, गुणनखंड विधि की सहायता से। तो 1728 का आपको घनमूल निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो आप क्या करिए, इसको दो से काटिए, काटिए तो हो जाएगा देखिए 2 8 16 एक होगा, इसको देगा तो हो जाएगा 12 2 6 12 2 4 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से कट करेंगे देखिए 4 3 2, फिर 2 से कट करेंगे तो 100 2 2 4 2 1 2 2 6 12 216, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 0 0 8 2 16, फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27, तो फिर आप 3 से करेंगे तो आपका होगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1। तो जब हम 1728 का किसका 1728 का जब हमने गुणनखंड किया तो मेरा आया कितना, 1 2 3 4 5 6,
तो आया आपका देखिए दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका गुणते तीन गुणते तीन गुणते तीन, इतना ही आया तीन गुणते तीन गुणते। अब इसमें क्या करना है, घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, तीन तीन का क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ये चीजें समझ में आई है, जब जोड़ा बना लेंगे तो एक एक जोड़े में से एक एक संख्या हम क्या करेंगे करड़ी से बाहर कर लेंगे। जैसे इस जोड़े में क्या है दो है, तो दो को बाहर कर लेंगे। अब इस जोड़े में क्या है आपका दो है, तो इसको भी बाहर कर लेंगे। और इस जोड़े में क्या है आपका तीन है, तो इसको भी हम बाहर कर लेंगे। तीन दुना के छह दुना के बारह, तो बारह बरहम 144 बरहम 1728। तो जो हुआ आपका 1728 का जो घनमूल हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई, 12 हुआ। कितना हुआ आपका, 12 हुआ। तो आइए अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी और जो लास्ट क्वेश्चंस है आपका ये है कि 29 से ही 791 बटा के 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल आपको ज्ञात करना है, तो देखिए घनमूल अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 29 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 29000। कितना आएगा आपका 29000 आएगा। और उसमें 700 अगर हम 91 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 29791। अब कह रहा है, अब इसको हम लोग कहने का मतलब ये है कि 29 से ही 791 बटा के 1000 को हम 29791 बटा के 1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए इनको हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 29791 को हम करेंगे तो आपका एक तीन तीस, हाँ। तो जब 29791 को आप तोड़ेंगे ना, तो देखिए इसका जो गुणनखंड होगा आपका ये बनेगा 31 गुणते 31 गुणते 31 आएगा। और आप बोलेंगे इतना जल्दी आप कैसे कर लिए अब बिना गुणनखंड किए, तो आप भी करिएगा उतना ही आएगा, क्योंकि हमको शॉर्ट ट्रिक पता है इसलिए हम इसको जल्दी से कर ले रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो मेरा चैनल डियर सर जी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा। और आपका अगर 1000 का गुणनखंड करें, आप 1000 का गुणनखंड करें तो वही दो से करेंगे तो ये आपका 500 आएगा, फिर दो से करेंगे तो आपका 250 आएगा, फिर दो से करेंगे तो आपका वही 125 आएगा, फिर यहाँ पाँच से करेंगे तो 25 आएगा, फिर पाँच से करेंगे तो वही पाँच आएगा, फिर पाँच से करेंगे तो एक आएगा। तो इसमें देखिए अगर हम करें तो होगा आपका दो गुणते दो गुणते दो गुणते पाँच गुणते पाँच गुणते पाँच। तो अब घनमूल में क्या होता है कि तीन तीन का क्या होता है पेयर बनता है भाई, तीन तीन का क्या करते हैं हम लोग पेयर बनाते हैं। तो जब हम पेयर बना लेंगे तो घनमूल से करड़ी से बाहर क्या करेंगे एक पेयर निकालेंगे, एक पेयर का एक अंक। तो इसमें से 31 गुणते 31 गुणते 31 है तो इसको हम लिख सकते हैं 31। अब बटा के नीचे क्या है, ये दो का है पेयर, तो यहाँ दो करेंगे और गुणते ये आपका पाँच है तो इसको पाँच कर लेंगे। तो हो जाएगा देखिए 31 बटा के पाँच दुना के 10। तो अब इसको देखिए आपका आंसर देखिए सही में दिया है 29 से ही 791 बटा के 1000। तो इसको भी हम सही में अगर लिख देंगे तो सही रहेगा। तो 10 × 3 = 1/10 ये जो होगा आपका 29 से ही 791 बटा के 1000 का क्या होगा, ये घनमूल होगा। तो यहां पर प्रश्नावली के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों का सलूशन मिल गया। तो प्यारे साथियों कैसा लगा आज का मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को भी मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वो कुछ कमी है, वो कमी अगली बार ना हो, उसे सुधारने की हम हमेशा प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे साथियों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल इसी टाइम रात 8 बजे। तो सब लोगों को बताना जितने भी आपके साथी होंगे कि रात बजे 8 बजे आप सभी की फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। तो इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।